सबसे पहले जो मॉर्निंग में अभी बज रहा है 8:30, और उसके लिए मैं अभी आटे का चीला बनाऊंगी। उसके लिए मैंने आटा, प्याज, एक एग और धनिया पत्ता कट करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये रेसिपी मैंने पहले भी डाली हुई, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। आटे का चीला रेडी हो चुका है, तो ब्रेकफास्ट में मैं अभी उसको यही खिलाऊंगी। और उसको अच्छा भी लगता है ये खाने में, तो इसलिए एक्चुअली सोहम को बिल्कुल भी मीठा खाना पसंद नहीं है। उसको थोड़ा इस टाइप की चीज़ें ही अच्छी लगती है, तो मैं मीठा उसको अवॉइड करती हूँ। और कभी कभी मैं उसको खुद भी खाने के लिए देती हूँ। थोड़ा मेस करता है बट वो खाता है, इससे थोड़ा सीखेगा, इसलिए उसको भी देती हूँ खाने के लिए मैं कभी कभी। और आप देख सकते हैं कि वो इंजॉय कर रहा है अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जब फिनिश हो जाएगा तब मैं उसको हाफ एन आवर बाद मैं उसको नहला दूंगी। और उसके बाद फिर उसका जो नेक्स्ट स्नैक्स टाइम बोल सकते हैं आप, वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और अभी बच रहे हैं 11, तो मैं उसको दूंगी फ्रूट कट करके। मैंने उसको मस्क मेलन कट करके दिए छोटे छोटे पीसेस में। आप उसको कोई भी सीजनल फ्रूट दे सकते हैं। और ये देखिए वो अपने आप ही खा रहा है। और अभी मैं लंच में उसके लिए खिचड़ी बनाऊंगी, तो मैंने वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं और मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। जो मैंने छौंका लगाया है वो है 5 फोरन बोलते हैं, 5 टाइप्स ऑफ मसाला, उसको ऐड करके मैंने इसमें छौंक लगाया है। इससे क्या होता है, इस मसाले से खिचड़ी का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छी, एक फ्रेग्रेंस आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको ट्राई करके देखिए। और इसमें जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह है कट करके मैं इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं फ्राई करने के बाद पानी डाल के जो चावल वॉश करके रखे थे वो डाल दूंगी। और फिर 3-4 सीटी आपको इसमें लगानी होगी, जिससे जो खिचड़ी है वो मैश हो जाए और उसको खाने में इजी रहे। खिचड़ी रेडी हो चुकी है, आप देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है, और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत अच्छी आई है। और जो सोहम है उसको खिचड़ी अच्छी लगती है और वो इंजॉय भी करता है, तो इसका कंसंट्रेट खाने पे रहे। तो इसके लिए क्या करती हूँ कि मैं राइमिंग वगैरह भी साथ साथ उसको बोलती रहती हूँ, उसको सुनाती रहती हूँ, तो वो इंजॉय करके अपना जो खाना है वो खाता है। इससे क्या होता है, वो थोड़ा राइमिंग भी सीख लेता है। अभी बज रहे हैं 5:00 और मेरा बेबी उठ चुका है। वैसे वो दूध बिल्कुल भी नहीं पीता है, वो नखरे बहुत ज़्यादा करता है दूध को लेके, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको बॉर्नविटा ऐड करके देती हूँ, जिससे चॉकलेट का फ्लेवर होता है, तो वो थोड़ा पीने की ट्राई करता है। इस टाइम पर मिल्क उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि पूरे दिन में उसको एक बार ज़रूर मिल्क दूँ मैं। वैसे तो वो फीडिंग करता है बट फिर भी मिल्क इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है उसका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और उसकी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। और अब मैं करूँगी डिनर की तैयारी। 7 बज रहे हैं, तो मैं बनाऊँगी दलिया। तो दलिया बनाने के लिए मैंने सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं, और मैं मूंग की दाल से दलिया बनाऊँगी। दलिया को हल्का फ्राई कर लिया था, उसके बाद मूंग की दाल डाल के सारे वेजिटेबल्स डाल दिए, और साथ में मैंने 4-5 जो लहसुन की कलियाँ होती है वो भी डाल दिया है। दलिया में जो है पानी ज़्यादा डलेगा, क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लेता है। और ये देखिए मेरा दलिया बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब बस मैं उसको खिलाने की तैयारी करूँगी। 8 बजे जो है मैं उसका डिनर उसको दे देती हूँ। तो डिनर में जो है मैं दलिया ही बनाती हूँ, क्योंकि दलिया बहुत ही हल्का खाना होता है, और रात में उसको सोना ही होता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो दलिया बेस्ट ऑप्शन होता है। आप लोग भी ट्राई करें दलिया देने की, क्योंकि हैवी खाना या पराठा उस टाइम पर डाइजेस्ट नहीं होता है, और फुल नाइट वो फीडिंग करता है, बस यही है उसका रूटीन।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज जो है मैंने अपने बेबी का डे जो रूटीन होता है उसका खाने का वो शेयर किया है कि वो डे टू नाइट क्या खाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे मेरी वीडियो या फिर थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिले मेरे वीडियो से आपके बेबीज के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।